सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत खुशी की बात आपके बीच में करने आया हूं। वो ये है कि भारत के राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले पूरे जीवन भर हक वंचित असहाय कमजोरों के लिए संघर्ष करते रहे, और उन्होंने जब कई विद्यालय वंचितों के लिए, अस्पृश्यों के लिए बना दिए और उन विद्यालयों की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी, तब उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज नाम का एक संगठन बनाया था, और वह सत्यशोधक समाज भारत के बहुजनों के लिए, हक वंचित असहाय समाज के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और उस संगठन ने भारत का गौरव, भारत की संस्कृति हमें पुनः वापस करने के लिए अथक प्रयास किए। आज 24 सितंबर 2023 को सत्यशोधक समाज को 150 साल पूरे हो रहे हैं, और ये इस 150 साल पर मैं अपील करता हूं, मैं बहुत बहुत निवेदन करता हूं भारत के सभी देशवासियों से, दुनिया में रह रहे सभी हक वंचित असहाय कमजोर समाज के लोगों से, कि 150वीं जो वर्ष होगी सत्यशोधक समाज की, वो 24 सितंबर 2023 में आने वाली है। मैं चाहता हूं कि हम भारत के सभी लोग मिलकर 150 साल को बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से सेलिब्रेट करें, मनाएं। इस अभियान के साथ हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आज से ही चर्चा शुरू कर दीजिए कि सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फुले ने बनाया, सावित्री बाई फुले ने बनाया, और आगे चल करके भारत के मसीहा, हम सब के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ज्योतिबा राव फुले जी को अपना सामाजिक गुरु माना। उनके संगठन को 150 साल पूरे हो रहे हैं, हम उल्लास के साथ मनाएंगे, और भारत के हर राज्य में, हर मंडल में, हर तहसील में, हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में और हर गांव में उनके संगठन के पदाधिकारी बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, ताकि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग को हम आगे बढ़ा सकें, उनके द्वारा लिए गए संकल्पों को हम आगे बढ़ा सकें। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, 24 सितंबर 2023 को हम सब लोग मिलकर के बहुत बड़े लेवल पर 150 साल को सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।